घमंडी परी को मिला सबक। बहुत समय पहले की बात है, परी लोग की दुनिया में परी माँ अपनी बेटी शनाया के साथ रहती थी। शनाया परी दौलत की वजह से बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज परी थी। जब भी उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वह उसे मना कर देती और उसका खूब मजाक बनाया करती। एक दिन परी माँ ने अपने महल में एक दावत का आयोजन किया और उसमें शनाया परी की शादी के लिए सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। थोड़ी देर बाद शनाया परी अपनी कुछ दासियों के साथ महल में मुंह बनाती हुई आती है। वह जिस राजकुमार के पास से गुजरती उसे बहुत अजीबो भरी नजरों से देखती है। फिर वह एक राजकुमार के पास से गुजरी जो कि बहुत मोटा था। उसको देखकर शनाया परी हंसते हुए बोली, अरे अरे इस घोलटप को तो देखो, इसकी दावत में आने से तो महल का पूरा खाना ही खत्म हो गया होगा। फिर वह दूसरे राजकुमार को देखकर कहती है, अरे जरा इसे तो देखो कैसे खम्बे की तरह खड़ा है, ये इतना लंबा है कि महल भी इसके आगे छोटा लग रहा है। एक राजकुमार जो कि बहुत गोरा था तो शनाया परी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक राजकुमार जो कि बहुत काला था तो उसे हंसते हुए बोली, अरे इसे देखो ये तो बिल्कुल काला भैंस लग रहा है। राजकुमार जी रात को अंधेरे में बाहर मत निकल जाना, नहीं तो लोग आपको देखकर तो डर ही जाएंगे। शनाया परी इसी तरह हर राजकुमार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वह एक राजकुमार को देखकर तो बहुत हंसी। अरे सर इस राजकुमार को तो देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर झाड़ फूक उगा रखी है, राजकुमार कम दाढ़ी वाला बकरा ज्यादा लग रहा है। जब परी माँ ने ये देखा शनाया परी हर राजकुमार की बेइज्जती कर रही है तो ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे भरे दरबार में ऐलान कर देती हैं, शनाया परी आज से पहले आप कुछ भी करती रहीं, हमने आपको कभी नहीं रोका, पर अब बस हम भरे दरबार में ये ऐलान करते हैं कि आपकी शादी किसी गरीब से करवा देंगे। इतना सुनते ही सभी राजकुमार चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी सुहेल गली कुचियों में गाना गाया करता था। फिर एक दिन उसने महल के नीचे गाना गाना स्टार्ट कर दिया। जब परी माँ ने उसकी आवाज सुनी तो अपने एक सिपाही को ये हुक्म दिया कि उस शख्स को लेकर आए। सोहेल महल के अंदर आता है और परी माँ को बहुत अच्छा गाना सुनाया और अपना इनाम मांगा। परी माँ ने कहा, तुमने हमें बहुत अच्छा गाना सुनाया है, हम तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे, हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। इतना सुनते ही शनाया परी गुस्से में बोली, माँ आप ये क्या बोले जा रही हो, जब मैंने उन राजकुमारों को ठुकरा दिया तो ये क्या चीज है, हालत तो देखिए जरा इसकी, कितने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। शनाया परी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी शादी शोहेल से करवा दी और कहा, शनाया परी अब तुम महल से जाने की तैयारी करो। माँ आपने तो पहले मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी और अब मुझे इस महल से भी जाने को कह रही हो। हाँ क्योंकि ये तुम्हारा पति है और जहाँ ये रहेगा वहीं अब से तुम भी रहोगी। फिर शनाया परी रोती हुई वहाँ से आ जाती है। रास्ते में उन्हें बहुत आलीशान महल दिखाई देता है। शनाया परी हैरान होते हुए कहती है, ये इतना बड़ा महल किसका है? मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले राजकुमार का बहुत मजाक उड़ाया था, ये महल उसी राजकुमार का है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो तुम इसी महल में रहती। फिर वे एक बागीचे में पहुँचे। उसको देखकर शनाया परी फिर से बोली, ये इतना सुंदर बागीचा किसका है? ये बागीचा भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है। ऐसे ही बातें करते हुए वे एक झोपड़ी के पास पहुँचे। उसको देखकर शनाया परी बोली, ये झोपड़ी किसकी है, कितनी टूटी फूटी हुई है? ये झोपड़ी मेरी है और ये वही जगह है जहाँ तुम्हें भी रहना है। तुम्हारे नौकर और दासियाँ कहाँ हैं? हमें नौकरों और दासियों का क्या काम, अब से सारे काम तुम्हें ही करने हैं। अब जाओ मेरे लिए खाना बना के लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। काश मैंने उस राजकुमार से शादी कर ली होती तो आज इस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मैं उस आलीशान महल में होती। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे सामने किसी और की बातें क्यों कर रही हो? अब से तुम मेरी पत्नी हो और जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब तुम जाओ मेरे लिए जल्दी से खाना बना के लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्योंकि शनाया परी को खाना बनाना नहीं आता था,
तो सोहेल ने उसकी मदद करवाई और फिर खाना जैसे तैसे बनाकर खा लिया। दूसरे दिन सोहेल ने सनाया परी को उठाया और पूरे घर के काम करने को कहा। सनाया परी पूरे दिन घर का काम करती रही और ऊपर से सोहेल की जली कटी बातें भी सुनती रही। ऐसे ही उन्होंने कई दिन गुजार दिए और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। देखो परी, मैंने जो कुछ भी कमाया था सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारी बारी है कमाने की। मैं गांव से कपड़े लेके आऊंगा और तुम्हें सिल सिल के देने होंगे। सोहेल गांव वालों के कपड़े ले आता है, लेकिन सनाया परी ने आज से पहले कभी भी इतना मेहनतों वाला काम नहीं किया था। मशीन चलाते हुए उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर सोहेल बोला, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो। तुम किसी काम की नहीं हो। तुमसे शादी करके मैं तो बहुत पछता रहा हूँ। खैर, अब मैं तुम्हें खिलौने ला के दूंगा, तुम बाजार में जाके उन्हें बेच देना। सनाया बड़ी अकड़ते हुए बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बाजार जाकर खिलौने बेचूंगी। जब परी लोग की परियां मुझे खिलौने बेचते हुए देखेंगी तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगी। ये सब मुझे नहीं पता। अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब गांव वाले एक खूबसूरत परी को खिलौने बेचता हुआ देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लिया करते। वह खिलौने बिकने के बाद सोहेल उसे और खिलौने लाकर देता है। कुछ देर बाद एक सिपाही रास्ते के बीचों बीच खिलौने बेचता हुआ देखता है तो उन खिलौनों को तोड़ देता है। बेवकूफ परी, आइंदा इस रास्ते को कभी मत घेरना। सनाया परी उदास होकर घर आती है और सोहेल को सारी बातें बताई। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुमसे किसने कहा था रास्ते के बीचों बीच खिलौने लेके बैठ जाओ? आखिर वहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती होगी। पर मुझे पता था तुमसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही शाही महल में तुम्हारे लिए साफ सफाई का काम ढूंढ लिया है। तुम कली महल में साफ सफाई करने के लिए चली जाना। फिर अगले दिन सनाया परी महल में जाकर पूरा दिन साफ सफाई करने में लगी रही और लोगों का बचा कुचा हुआ खाना लेकर वापस अपने घर आ जाती है। सनाया परी को महल में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसने सुना कि महल में किसी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। शादी वाले दिन राजकुमार और परियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। सनाया परी भी ये सब कुछ महल की खिड़की से देख रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपनी बेवकूफी और घमंड पर पछता रही थी। मैंने कितना गलत किया, आज तक कभी भी किसी से अच्छे से बात तक नहीं की। हर किसी को बुरा भला ही बोलती रही कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब मेरी ही गलती है। और एक सोहेल है जो मेरे लिए इतना कुछ करता रहता है, पर मैं उसे भी परेशान करती रहती हूँ। पर अब बस, अब मैं सोहेल को कभी परेशान नहीं करूँगी, उसका बहुत ख्याल रखूँगी। ये कहकर सनाया परी घर की ओर चलने लगी। अभी वह महल के दरवाजे पर पहुँची ही थी कि उसकी नज़र उसे दाढ़ी वाले राजकुमार पर जाती है। राजकुमार को देखकर सनाया परी डरते हुए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पति सोहेल हूँ जो तुम्हारे साथ उसी झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे खिलौने तोड़े थे। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, पर उस दिन शाही दावत में तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की, इसलिए परी माँ और मैंने मिलकर ये फैसला लिया कि तुम्हारे घमंड को तोड़ के तुम्हें एक अच्छी परी बनाएंगे जो कि तुम अब बन चुकी हो। तभी वहाँ पर परी माँ भी आ गई और बोली, सनाया बेटी, हमने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे घमंड को तोड़ सके। अब जो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो पिछली बातों को भूल जाओ बेटा। देखो आज तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, अब जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सनाया परी की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है। अब सनाया परी ने जीने का ढंग सीख लिया था और वह सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।